आठ बेस लगी हुई हैं और चार टॉप लगी हुई हैं। आठ बेस और चार टॉप अभी मतलब लगा रखे ये पर पास में जो बंदे खड़े हुए थे भाई से रिव्यू लेते भाई कैसा लगा डीजे आपको? मस्त लगा भाई, मस्त लगा, बहुत बढ़िया बेस मार रहा था ना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई डीजे की वीडियोस वगैरह बनाता रहता है, तो आज तुम्हारा भाई आया हुआ है मेरठ कुंडा में। और भाईयो आज हम मेरठ कुंडा इसलिए आए थे क्योंकि हमें लेना है भाईयो घायल डीजे फ्रॉम कुंडा मेरठ का इंटरव्यू। और भाईयो घायल डीजे देखो, घायल की झलक सबसे अलग। भाई भाई की बहुत कैडी टाटा बस्ती है, तो आपको साउंड टेस्टिंग भी आपके सुनवाने वाले हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले ओनर के पास में चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं ओनर से। तो गाइस ओनर के पास में चलते हैं और ओनर से बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकुल है। अच्छा विकुल नाम है, रहने वाला कुंडा गाँव, मेरठ कुंडे के रहने वाले हो आप। तो मतलब जो पूरा घायल डीजे वो आपका ही डीजे है वैसे? हाँ जी, मैं ही ओनर हूँ। अच्छा आप ही ओनर हो, और बाकी मतलब ऑपरेटर वगैरह कौन है, कौन ऑपरेटिंग करता है? ये भाई ऑपरेटिंग करते हैं रजपुरे से सचिन। रजपुरे से सचिन है? हाँ, मतलब जो रजपुरा है वो मेरठ में पड़ता है। यस। अच्छा अच्छा, बाकी जो आपका घायल डीजे इसके अंदर कितनी बेस वगैरह लगी पड़ी है? इसमें आठ बेस लगी हुई हैं और चार टॉप लगी हुई हैं। आठ बेस और चार टॉप अभी मतलब लगा रखे हैं, ये परमानेंट लगी रहती है चार टॉप है ना? फिक्स टाटा है। अच्छा परमानेंट रहती है। और बाकी जो मतलब जाल में ये जो है घायल लिखा हुआ है इसके अंदर भी लाइटें वगैरह लगी पड़ी है वैसे? लाइट लगी हुई है। अच्छा कैसे कलर में है मतलब ये लाइट? ये व्हाइट कलर में है थोड़ी। अच्छा मतलब व्हाइट और येल्लो से कलर में मतलब थोड़ी। अच्छा, और बाकी मतलब यहीं पर ही कुंडा की साइड में है ये? हाँ। वैसे पास में मतलब कोई अगर जैसे किसी को आना हो कुंडा तो क्या पड़ेगा आसपास? बस परतापुरी है, परतापुर कुंडा लगता है। परतापुर कुंडा लगता है। हाँ। अच्छा बाकी आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पे? ये ऑफिस है हमारा यहीं। अच्छा अच्छा, ये ऑफिस है घायल डीजे का, देख सकते हो भाईयो घायल डीजे साउंड। और बाकी मतलब बात कर लेते हैं जो आपके जाल है मतलब पूरे जाल के अंदर कितनी हाइस वगैरह लगी पड़ी है? हाइस जाल के, जाल में अंदर हाइस लगी हुई है 20 हाइस मतलब जाल के अंदर लगी पड़ी है। अच्छा जो, और बाकी मतलब बेस की बात कर लेते हैं, जो आठ बेस की है वो 18 इंची या फिर 21 इंची है? 5 इंची है, 4.5 इंची है। 5 इंची 4.5 इंची है। अच्छा अच्छा, और बाकी जो आपने टॉप रख रखी हो पर ये टॉप कितने इंची है? 12 इंची की टॉप है। अच्छा अच्छा, बाकी बात कर लेते हैं मतलब कितना टाइम हो गया आपको डीजे को बनाए हुए? 1 साल हो जाएगा अब समथिंग मार्च में। अच्छा मतलब 1 साल अभी मार्च में हो जाएगा। अच्छा बाकी मतलब आपने अभी कोई यात्रा वगैरह मतलब कोई किसी यात्रा में गए हो? हाँ यात्रा में करते रहते हैं छोटी मोटी यात्रा, अभी तो कोई बड़ी यात्रा जब आएगी। अच्छा जब अच्छा, अभी जो मतलब शिवरात्रि आ रही है 8 मार्च की, तो उसके लिए मतलब डीजे वगैरह वैसे बुक है? नहीं, वो वैसे बुक है। अच्छा मतलब यहीं पर ही चढ़त वगैरह के प्रोग्राम से? शादी में। अच्छा अच्छा, शादी वगैरह के लिए बुक है मतलब यात्रा वगैरह के लिए बुक नहीं है? नहीं। बाकी उसके बाद में मतलब और बुकिंग आएगी तो वो तो देखोगे है ना? हाँ, बाकी मतलब आप पूरा मतलब आठ बेस का सेटअप है या फिर और भी मतलब सामान वगैरह आपके पास? हाँ जैसे पार्टी मांगती है वैसे दे देते हैं। 12 अच्छा अच्छा, 12 बेस 14 बेस 16 बेस मतलब इतना अवेलेबल है आपके पास है ना? और बाकी मतलब बात कर लेते हैं जो भाई है आपके मतलब ऑपरेटिंग पे कितने टाइम से है मतलब ऑपरेटिंग पे? अभी आए हैं? अभी आए हैं नए भाई कोई। अच्छा इनसे पहले भी मतलब कोई और ऑपरेटर था? हाँ था। अच्छा अच्छा, वो मतलब अब हट चुका है ना? नहीं आता है, वो भी अपना काम भी करता है, हमारा भी करता है, कभी भी। अच्छा आ जाता अच्छा है। कभी भी आ जाते हैं। और बाकी मतलब बात कर लेते हैं जो आप जनरेटर मतलब है आपकी गाड़ी में वो कितने केवी का जनरेटर है? ये जनरेटर 62 केवी का है। 62 केवी का जनरेटर है। अच्छा अच्छा, बाकी अब भाई से बात कर लेते हैं, भाई ऑपरेटिंग करते है ना? तो भाई आप मतलब ऑपरेटिंग लैपटॉप से करते हो या फिर मतलब डीवीडी से? लैपटॉप से करते हो, डीवीडी से भी मतलब कर लेते हो कभी कभार? डीवीडी से नहीं, लैपटॉप मतलब ज्यादा बेस्ट है ना? लैपटॉप बढ़िया। हाँ मेरे को भी लैपटॉप से ऑपरेटिंग बढ़िया लगती है। और बाकी जो बात कर लेते हैं भाई आप मतलब वैसे कलेक्शन वगैरह मतलब किसके ज्यादातर यूज करते हो? 2-4 है मेरे जानने वाले। अच्छा रिमिक्सर? हाँ, एक तो अखिल रामराणिया। अखिल रामराणिया, एक डीजे परमिंदर। अच्छा अच्छा, डीजे परमिंदर। अच्छा गुज्जर। अच्छा एक दो हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब और भी रिमिक्सर है जिनके आप मतलब कलेक्शन वगैरह चलाते हो? चलाता हूँ, एक तो डीजे स्वयं चलाता हूँ, एक गुड्डू प्रधान। अच्छा अच्छा, एक अखिल रामराणिया, एक दो। अच्छा अच्छा, बस इन्हीं के मतलब चलाते हो आप? बाकी मतलब आप डीजे पे मतलब पूरे वही ऑपरेटिंग वगैरह हर चीज कनेक्शन वगैरह ये सब देखते हो? अजय औरंगाबाद के भी। अच्छा अच्छा, बाकी बात कर लेते हैं जो घायल डीजे है मतलब आपकी जो टाटा है, तो ये टाटा 407 पिकअप है या फिर कौन सी है? ये टाटा 407 है। टाटा 407 है मतलब खाली टाटा 407 पिकअप नहीं है ना? बाकी बात कर लेते हैं, देख सकते हो ये डीजे वगैरह है घायल की झलक सबसे अलग। और भाई देख सकते हो आगे से टाटा वगैरह आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है घायल डीजे फ्रॉम मेरठ, ऐसी टाटा है कुछ भाई की देख सकते हो। और बात कर लेते हैं भैया साउंड टेस्टिंग वगैरह मतलब हो जाएगी अभी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा अभी साउंड टेस्टिंग सुनवाते हैं, बाकी पब्लिक को भी मतलब थोड़ा दिखाना है जलवा एकदम ना।
घाट लीजिएगा, जलवा दिखाने वाले हैं आपको भाइयों। और अभी साउंड टेस्टिंग सुनवाते हैं, सारे भाई कमेंट करके नीचे बताना आपको साउंड टेस्टिंग कैसी लगी भाई की। टाटा बहुत बढ़िया बस्ती, आप सुनवाते हैं आपको साउंड। भाइयों अब गाड़ी का जनरेटर मतलब स्टार्ट हो चुका है और आपको साउंड टेस्टिंग सुनवाने वाले हैं हम घायल डीजे फ्रॉम मेरठ की। देख सकते हो भाइयों, घायल डीजे फ्रॉम कुंडा मेरठ। भाई घायल की झलक सबसे अलग है, डायलॉग बढ़िया लगता है भाई मेरे को। ये शेर की झलक सबसे अलग, घायल की झलक सबसे अलग। भाई आवाज भी एक नंबर आ रही और पास में जो बंदे खड़े हुए थे भाई से रिव्यू लेते। भाई कैसा लगा डीजे आपको? मस्त लगा भाई, मस्त लगा। बहुत बढ़िया बेस मार रहा था ना भाई डीजे। आपको कैसा लगा भाई डीजे? बढ़िया लगा, मजा आ गया साउंड सुन के, हिला दिया एकदम एंड बिल्कुल। आपको कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा डीजे? कैसा लगा भाई डीजे? बढ़िया। ताऊ आपको कैसा लगा? बढ़िया। आपको कैसा लगा बेटा डीजे? सुना खतरनाक एकदम खतरनाक लगा ना डीजे? अरे कैसा लगा भाई डीजे? मस्त लगा। कैसा लगा भाई डीजे? मजा आ गया ना? कैसा लगा डीजे? बढ़िया भाई, बढ़िया, मजा आ गया भाई। और सभी को यहाँ पे मजा आ गया डीजे सुन के। और एक नंबर बजा भाई गायल डीजे फ्रॉम मेरठ। बेस के मामले में और आवाज के मामले में दोनों में भाई लेवल एक नंबर आ रहा भाई, मजा आ गया डीजे में। देख लो भाई साउंड टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुके हैं यहीं पर ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।